रामजी गुरुद्वारे वाली मम्मी कब आएगी बोलो ना बाबा जी। रामजी गुरुद्वारे वाली मम्मी कब आएगी? परमपुत्र जी, हेलो पुत्र जी, अपनी पेस्ट्री खाओ। और ये किसके लिए? पर हमको बस हाफ ही खानी है। तो फिर ये हाफ किसके लिए? ये हाफ सस्ती खाएगी परम की मम्मा, मेरी मम्मा। तो परम को बहुत प्यार करेगी। अपने हाथ न मलता पर अपनी किस्मत पे जोर किसी का चलता। लेकिन परम पुत्र जी, आपकी मेहर मम्मी तो अभी आपके पास नहीं है ना? पापा इधर आओ, परम को सब पता है। बुआ ने कहा उन्होंने परम की मम्मी का ऑर्डर दे दिया, 2 दिन में आ जाएगी। तारे आवे, तारे आवे, तारे आवे, तारे आवे, तारे आवे, तारे आवे। मम्मी कब आएगी? तारे आवे, तारे आवे। मेहर, उस लड़के को अपने साथ यहां मत लाइयो। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम दोनों को साथ देखें। देख पुत्र, दुनिया बड़ी कमीनी होती है, लोगों की खुशियों को देखकर नजर लग जाती है और जख्म देखकर नमक। देख किसका फोन है। ओए की होया? हरलीन जी। कुत्ते मैनू क्या जवाब दूं? इतने बड़े लोग, मैं इसको ना कैसे बोलूं? इससे आपे का पहले पता होता तो तेरा रिश्ता लेके मैं सरबजीत के पास कभी नहीं जा रही थी। अब रब बचा है। मेहर, सस्रीकाल आंटी जी। सस्रीकाल हरलीन जी, सस्रीकाल। मेहर से बात हुई आपकी? आहो, बस उसने 2 दिन मंगे हैं सोचने के लिए। आंटी जी, मेहर को इस रिश्ते से एतराज तो नहीं है? मेरा मतलब वो मना तो नहीं कर देगी ना?
ना जी ना, मेहर और मेरे को मना कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसने सिर्फ दो दिन मांगे हैं सोचने के लिए, फिर तो उसने हाँ ही कर देनी है। हरलीन जी, दो दिन बाद आप खुद मेरे फोन का इंतजार कीजिए खुशखबरी के लिए। ओके आंटी जी, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। जी जी जी, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। मना करता मेहर? नो नो नॉट एट ऑल। एक्चुअली मेहर अपनी मॉम नू कह रही सी उन्हें दो दिन का टाइम चाहिएगा, और ठीक भी है, आजकल बंदा फोन लेने जाए तो 50 बार सोचता है, ये तो फिर लाइफ का सवाल है कि नहीं? इट्स ओके दी, आई कैन अंडरस्टैंड। और हाँ प्लीज, अब दोबारा उन्हें फोन ना करना। मेहर को सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए उसे दे दीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। मम्मी जी, आपने तो मानव से मिलने के लिए हाँ की है, फिर? हाँ तो? नहीं, वो अभी आपने हरलीन जी को कहा ना कि हमारी मेहर दो दिन में जवाब देगी। तो क्या करती, बता देती उनको कि हमारी कुड़ी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है? उत्तर, बड़े लोगों से बात करने का तरीका अलग होता है। उनके साथ बात करते वक्त जबान नहीं दिमाग चलाने की जरूरत होती है। एक दो दिन में अगर हमारा फोन नहीं आना, उन्होंने समझ जाना है कि लड़की वालों की ना है, है ना जी? एक और बात पुत्र जी, आगे से अपनी मम्मी जी को कोई सवाल मत करिए, आई बात समझ में? सॉरी मम्मी जी। मेहर, मेरे गोभी के परोठे, कैसी है तू? अच्छा सुन, तेको पता है मेरा इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ? तू सुनेगी ना तो पागल हो जाएगी। उनका एक सवाल मेरे दो जवाब, सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो। ओ पागलों की तरह देख रहे थे मुझे। तेरी पसंद की शर्ट पहनकर गया था ना, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था, और सब लोग मेरा मुंह देख रहे थे। मिस्टर शर्मा, टू गुड। वो देख लियो मेहर, अपना सब सेट हो जाना है, और जैसे चांद से उसकी चांदनी कोई नहीं छीन सकता। और सूरज देख रही है, सूरज से उसकी रोशनी कोई दूर नहीं कर सकता। वैसे आईएएस ऑफिसर मानव शर्मा को ना, उसकी वोटी मेहर शर्मा से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं पापा बनने वाला हूं। ओए, मैं पापा बनने वाला हूं। ओए यार, कमाल कर देता आज, मैं पागल हो जाना है खुशी से।
ओ थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओए मैं पापा बनने वाला हूँ। कोई ने परोठे में पापा बनने वाला हूँ। दुनिया वालों मैं पापा बनने वाला हूँ। पता था मुझे, वो पता था कि तू मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट जरूर देगी, लेकिन इतना बड़ा गिफ्ट देगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, वो सपने में भी नहीं सोचा था। और मेरे बर्थडे को ना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। वो गुलाम हो गया मैं आज से तेरा, तू जो बोलेगी ना करूंगा। ओए पापा बनने वाला हूं मैं। आई लव यू महर, आई लव यू सो मच। ओए क्या हो गया, वो आज इतनी खुशियों वाला दिन है और तू मुंह लटकाए हुए। गोभी दे परोठे, वो मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूँ, पापा बनने वाला हूँ, और तू है कि महर। ओ क्या हो गया, अब तू यही बोलेगी ना कि जल्दी से घर आके मम्मी जी से हमारे रिश्ते की बात कर। बोल कब आना है। ओ बोल। आज ही मम्मी जी हमारे विवाह के लिए मान गई हैं। ओए तू आएगा ना। ओ आएगा। ओए तू कह तो बैंड बाजा लेके आ जाऊं। ओ कब से इसी दिन का तो वेट था कि तेरे घर आऊंगा घोड़ी पे बैठ के। और तू कितनी सोनी लग रही होगी। ओ बोल बनेगी मेरी वोटी एक बार फिर दुनिया के सामने। बनेगी ना मिसेस शर्मा। मानव मम्मी जी को पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूं। ओ यार अगर मेरी वजह से तेरे घर वालों को कोई तकलीफ हुई, कोई शर्मिंदगी सहनी पड़ी तो आई एम रियली सॉरी। उस दिन जो कुछ भी हुआ तेरे मेरे बीच वो सिर्फ प्यार था, सिर्फ प्यार। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, हो गया जाएगा, सब ठीक हो गया। कितना खुशनसीब है हमारा प्यार जो इसे रास्ते की ठोकर खाए बगैर ही मंजिल मिल रही है। अब तक ये प्यार हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए धड़कन बन के धड़क रहा था, पर आज
उसकी खुद की अपनी धड़कनें हैं और अब हमें उन धड़कनों का ख्याल रखना है, बहुत सारा ख्याल रखना है। क्यों पुत्र जी, ठीक कहा ना मैंने? इसके बारे में सोचना है और कुछ नहीं। चेती चेती स्माइल कर दे। ओए, मैं कुछ भूल गई, मैं अभी आई। ओए हैप्पी बर्थडे। ओए, एक दिन में कितने सारे गिफ्ट देगी? ओए, तू पागल है? इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की क्या जरूरत थी मेरे लिए? ओ, ये तेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तू दूर जाके दिखा मुझसे, एक सेकंड में पकड़ लूंगी नंबर लगा के। मैं दूर जाऊंगा ही क्यों? ओ गोभी दे परोठे, सारी उम्र ना तेरे साथ रहना है हमेशा। सुबह उठेगी ना तो मेरी शक्ल देख के, रात को सोएगी ना तो मेरी शक्ल देख के। और जिस दिन मैं नहीं हुआ ना, कैमरा है, फोटो देख लिया करियो, सेंड कर दूंगा। तेरी इस हंसी के लिए ना मैं अपनी जान दे सकता हूं। आगे से ये बात मत बोलियो। ओ जल्लिए, मैं अगर मर भी गया ना तो सपनों में आऊंगा तेरे 24 घंटे। मैं चलती हूँ, कॉल करके बताऊंगी तुझे कितने बजे आना है।